बुलंदशहर भाकियू टिकैत संगठन के किसान के कार्यकर्ताओं ने आज नरसेना थाने में धरना पर बैठे। भाकियू टिकैत संगठन के कार्यकर्ता की सुनवाई न होने पर किसान नेता थाना नरसेना में धरने पर बैठे। नरसेना प्रभारी किसान नेताओं को समझाने में लगे। हापुड़ के बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के किसान नेता की सुनवाई नहीं होने पर आरोपी पक्ष से सांठ गांठ नरसेना पुलिस पर लगाया आरोप। बुलंदशहर से इकराम खान की रिपोर्ट। ये कि हमारा भादोड़ में पेट्रोल पंप है और चंदाने में ये देर रात ही खा जाओ हमारे यहाँ से डीजल पेट्रोल लेकर आते थे बेचने के लिए। वो इनसे हिसाब किताब चल रहा था। अब वो बाद में जब हमारा इन पर उधार हो गया तो इन्होंने देने से इनकार कर दिया। तो तुम पे लिए जाए तो लेके ले जाऊंगा। तो मेरा 5 लाख रुपए 5,20,000 रुपए बैलेंस है। इन्होंने कहते तुम पे लिया जाए तो ले ले। हम तो पैसे आपको क्या आश्वासन दिया गया है? आश्वासन बैठे हैं अभी आंदोलन मतलब धरना चल रहा है। तो ये ऐसे ही चलता रहेगा जब तक इसका नहीं होगा। ऐसे ही चलता रहेगा। इसमें 4 दिन 10 दिन 20 दिन ये बराबर ऐसे चलेगा। अभी भी कड़ाई पढ़ाई आ रही है। रात को शायद यदि नहीं हुआ तो निर्णय तो यही कड़ाई चलेगी और ये धरना बराबर चलता रहेगा जब तक इसका कोई रिजल्ट नहीं निकल जाएगा। ठीक है सर, धन्यवाद। गुड्डू प्रधान मेरठ मंडल अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन बावट गए। पूरे क्षेत्र में अवैध शराब बिक रही है जी। खनन हो रहा, किसान की फसल पूर्ण तरीके से भगवान नष्ट कर रही है जी। ना उसकी कहीं मतलब नापतोल हो रही, टोल नंबर दे दिए जी। क्षेत्र में छुट्टा सांड घूमे फिर रहे हैं, गाय और सांड, उनकी कहीं कुछ ना। कई गांवों में किसान मरने से बचा दिए, बहुत बहुत घनी चोट आई है। तो माननीय योगी द्वारा आपके नगर में काफी गौशाला खुले हैं, क्या आपके यहाँ नहीं है ऐसा कुछ? गौशाला के चक्कर में तो यहीं बैठे आए थे। हम पूछ रहे हैं कि कितनी गौशाला खुली है। अब कई जगह तो ऐसा हुआ है कि बिजली का मामला है, बिजली में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है जी। दसों के नाम लिखला में आठों से पैसे ले रहे हैं। तो एक समस्या थोड़ी है। अब योगी जी की समस्या तो योगी जी बताएंगे, योगी जी के शुभ चिंतक बताएंगे। आपकी जो मेन समस्या है वो क्या है, प्रमुखता से बताइए। मेन समस्या किसानों की समस्या ही हमारी मेन समस्या। जैसे कि बताइए ना, हमने अभी बारिश पड़ी दुनिया की धान खत्म हो गई भाई। उनकी कहीं ना आए तो नापतोल करवाओ, उनका मुआवजा मिले। जब हमारा केसीसी कार्ड में बीमा कटे तो हमारा मुआवजा क्यों ना कटे? बीमा किस हमारा हो भैया? सरकार से मालूम करो कि तू क्यों काट रहे हो बीमा भाई? बीमा काट रहे हो फसल के हमारे दो। अबे शराब बिक रही है, आज भी इन्होंने बहुत सारी दावी है उससे कोर्ट के आदेश से। ले जाओ फोटो यहाँ। कितना शराब दावी की आज? अब इनसे पूछो कि शराब दावी है, क्यों दावी है? तो हम मान के चल रहे हैं दावने का अनुमति ना आवे, जो इसे बेच रहे हैं वो ही दाव दिए जाए। जो खनन कर रहे हैं, खनन माफिए हैं, जो रातों डंपर चले हैं। रात में यहाँ आपके क्षेत्र में कहाँ कहाँ डंपर चल रहे हैं? बुगरासी चौकी की जो दरोगा है उसका पूर्ण तरीके से गुंडा राज चल रहा। वो गुंडों से क्या नाम है उनका? हम राम पाम रहन थे। इस टाइम वर्तमान में जो भी बुगरासी पे इंचार्ज है कौन है जी, उसका पूर्ण तरीके से गुंडागर्दियों से गुंडों से चल रहा तालमेल। स्मगलिंग करा रहे हथियारों की भी, स्मगलिंग करा रहे शराब की भी। एक समस्या थोड़ी है, किसान तो अपने आप को फसल तो बची ना रही है। हम तो चाह रहे हैं आम जनता तो बच जा। योगी जी के किसान भी शुभ चिंतक है, वोट देने वाले हैं, उसके बाद में गुंडे इनके हाथ में चाबी आ जा। कहीं ना कहीं है निगाह ना घूमिए, निगाह घूम जाएगी तो बुगरासी का भी दिन ठोट हो जाएंगे। जो गुंडे हैं यहाँ के वो क्या कहते हैं, राज्यपाल हमारा भी है। जो स्मगलिंग करते हैं, हथियारों की व्यापार करते हैं, वो कहते हैं राज्यपाल हमारा भी है। तो इसकी सूचना आपने पुलिस प्रशासन से कई बार बैठे हैं भाई? नहीं नहीं, पहले आगे दी है ऐसी कई फिर बुगरासी वाले दरवा को दी है। उन्हें कहते हैं मैं सुनता ही ना हूँ, मेरी आर्ट गार्ड जो राज्यपाल सीसी राज्यपाल से। तो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की आज तक? कार्रवाई कर रहे हैं, उसका प्रमोशन की बात आ रही है, ऊपर से आ रही है। ठीक है सर, धन्यवाद। बाद में बढ़ के रहने वाले हैं श्री महिपाल सिंह। इनका पेट्रोल पंप है, उसी पेट्रोल पंप से चंदियाने गांव के राशिद जो है पेट्रोल और डीजल लाते थे, वो फुटकर बेचते थे। उन्हीं का लेन देन वगैरह है, बाकी उसी संबंध में ये लोग आए हैं। आगे जो ये समस्या बता रहे हैं कि कुछ चोरी, जो भैंस चोरी है गाँव में अदर की, उन समस्याओं को लेकर क्या कहना है आपका? इस संबंध में वर्तमान में जो हमारे यहाँ कोई चोरी नहीं हुई है कि बता। इनका कहना है जो आपके प्रधान जी बैठे हुए हैं किशन गुड्डू जी प्रशांत, जो आपके किसान यूनियन से हैं, इस संबंध में हमारे यहाँ कोई चोरी नहीं हुई है और हम चोरी रोकने के लिए जैसे ही गश्त जो है गांव में गश्त बढ़ा दी गई। और
तो आगे की क्या प्रक्रिया चलनी है, जो इनकी जो बातचीत चल रही है आपस में, तो इनमें क्या अभी तक कुछ इन्हें आश्वासन दिया गया है नहीं दिया गया है, किस चीज का रजिस्टर मंगाया उन्होंने हिसाब किताब का जी वो देख के क्लियर होगा। धन्यवाद।